शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये क्या हो रहा है साहब? इम्तिहान हो रहा है सर। इम्तिहान हो रहा है? नकल? नकल कहाँ नकल कर रहा है सर? नहीं तो तुम ये चाहते हो कि यूनिवर्सिटी के सबसे मशहूर शायर राजेश नारायण नकल करते हुए पकड़े जाए? नकल? नहीं सर, नकल तो नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्या छुपा रखा है सर? कुछ भी नहीं सर। दिखाइए तो सही। रहने दीजिए ना सर। दिखाइए ना। नहीं सर, रहने दीजिए ना। देखिए, चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, इम्तहा देते हुए घर से ये सामान निकला। इस तस्वीर का मतलब सर, इसी तस्वीर के सहारे तो मैं मोहब्बत के इम्तिहान में कामयाब रहा। लेकिन हजरत अली, हम नहीं चाहते कि इस तस्वीर की वजह से आप एमए के इम्तिहान में फेल हो जाएं। सर मेरी तस्वीर नेगेटिव है ना, दूसरी बन जाएगी। बाप भागो, इंकलाब आ रहा है। मैं जी सबको देख लिया, सारे ने नजम सुना सुना के मार डालेगा। क्या हो रहा है भाई? आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए कल आपने बड़ी खतरनाक नजम लिख डाली। कल की बात छोड़ो, आज बड़ी शानदार नजम लिखी है। अरे अल्लाह, अरे मर क्यों गए? ताजी नजम सुनोगे तो जिंदा हो जाओगे। ये बात नहीं आएगा। इसका ख्याल रहा भागी भाई, आपकी नजम सुनते सुनते मेरी रात की गाड़ी ना निकल जाए।
सुनाइए, इत्मीनान से सुनाइए साहब। तो सुनिए, सख्त हालात की पत्थर सी जमीन पे गिर के पैर रहे शीशे के बर्तन की तरह। नहाय बदजौकी का सूब दिया है आपने, फिर भी सुनिए। लहू में डूब के अब इनकलाब उभरेगा, बुला रही है हमें कब से जंग आजादी। ये कत्ल खून हकीकत में देश भक्ति है कि गुलामी से बेहतर है लाश बर्बादी। एक बात याद रखो, गुलामी से बेहतर है कि सूली पे चढ़ जाओ। हमारे यार तो चढ़ जाओ ना सूली पे, हमें जाके बोल करते हो। सारा मुल्क अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, अगर तुम लोग चाहो तो तालियां बजा बजा के राजेश कव्वाली सुनो, लेकिन एक बात याद रखो, इस 1942 में इश्किया शायरी करना गद्दारी के बराबर है। बाहिर बाहिर, मेरा जुर्म इतना है कि मुझे निकलता डूबता सूरज पसंद है, मैं पूरे चांद की रात का आशिक हूँ और फूल बनती हुई कली का दीवाना हूँ। तो आगरे कब तशरीफ ले जा रहे हैं? आप जिस ब्रिटिश राज से लड़ रहे हैं वो अपने शेक्सपियर से बहुत छोटा है। आप जैसे शायर अपनी शायरी समेत मर जाएंगे, लेकिन सूर तुलसी गालिब लीर सदा जिंदा रहेंगे। दिलो दिलदार की बात करो तो जाने। हमें ये इनके बस की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन तबाह हुआ जा रहा है। हमें यार तुम कोई धड़कती धड़कती गजल सुना लो ना। इजाजत है मियाँ? जरूर सुनाइए, कहे तो तबले का इंतजाम कर दो। यू तो हमने दिल के सफर में देखे हैं दिलदार बहुत, जाने क्या है देख के तुझको आ जाता है प्यार बहुत। आपके खराब होने का यही नतीजा होता है। तेरी गली से उठकर हम भी जान बेसहरा जाते हैं, लेकिन हमको याद आएगी ये तेरी दीवार बहुत। उन आँखों की बात पे मत जा, उनका कोई ठीक नहीं, बिकने वाले जल्दी क्या है और भी है बाजार बहुत। गाता, ये गाड़ी और कितने देर रुकेगी? सिर्फ 5 मिनट रुकेगी। हिंदू चाय, मुस्लिम चाय, मुस्लिम चाय। एसपी साहब, चटकट क्या जच रहे हो मियां इस यूनिफॉर्म में? ये हो रहा है, तेरे रोमांस का क्या हाल है? ये समझ से पहला फेरा हो चुका है, बाकी इच्छा अब हो जाएंगे, शादी तय हो गई। अबे चांगट, तेरे बगैर कैसे हो सकती? अब तो आ गया, लड़की पसंद कर लेगा, शादी भी हो जाएगी। अबे शादी तेरी हो रही है या मेरी? शादी मेरी हो रही है, और जब तेरी होगी दुल्हन भी हम पसंद करेंगे। लेकिन मैं तो अभी गाजीपुर जा रहा हूँ कल से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, लड़की पसंद करने मैं कैसे आ सकता हूँ? तेरी शादी नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े दिखा दे अभी पसंद कर देता। यही तो मुझसे पता है, वो कमबख्त एग्जामिनर के बच्चे ने फोटो छीन ली। अच्छा ये बता गाजीपुर कब आ रहा है? कल जौनपुर जा रहा हूँ 2 बजे, भाभी भैया और मम्मी से मिलकर 2-4 दिन के अंदर गाजीपुर आ रहा हूँ। ओके चलता हूँ। अरे क्या कर रहा है जान, तू मुझे अच्छा ठीक है निकल जाएगी। ओके अच्छा ये गाड़ी तो 2:30 बजे आने वाली है ना? हाँ। तो फिर आ गई होगी, क्या पता भाई, लड़ाई का जमाना है, आज ही गाड़ी कल भी आ गई। अरे दीदी गाड़ी को क्या पता क्या इंतजार कर रहे हैं? इंतजार तो बेचारा छोटा सा कहा होगा। तू दीदी कौन इंतजार कर रहा है? मुन्नी, हम मार देंगे। हाँ अरे दीदी हमसे बहन ना लो,
अगर हम कह देंगे तो चाचा जी से ब्याज न करेंगे। हाँ हाँ, चाचा की चमची मार खाएगी मुझसे। हाँ चाचा का सामान ले जाओ भाई। ये बेचैनी काहे की, आते आते आएगा। दीदी आराम से बैठ के इंतजार करो, गाड़ी भी आ गई और चाचा भी आ गए, लेकिन हमने मना किया कि तुम से ना मिले। अब कहो चाचा की चमची चमची। भाई साहब आप नहीं बस, एक अखबार निकाल कर, एक चरखा चला कर और थोड़ा सा सूत काट कर तो आजादी मिलने से। भैया जो संघर्ष इस कच्चे सूत की डोर में बंधा है उसकी तकदीर मालूम। राजेश कपड़े के लिए भी सूत की जरूरत होती, हम महात्मा गांधी के चरखे पर ब्रिटिश राज के कफन का सूत काट रहे हैं। तब तो ये कफन सदियों में जाकर तैयार होगा भैया, वक्त की रफ्तार इस चरखे की रफ्तार से बहुत तेज है। अरे भैया वो भी बड़ी तेज है। क्या गर्मी पड़ रही है बाहर दीदी, इन गर्मी में बैठे कहाँ सी रही है? पाचल मोड़ रही हूँ, कल पापा की शादी है ना। मिसेस सिन्हा ये ब्रिजेश तो बिल्कुल पागल हो गया है, हिंदी वर्नाकुलर का बात छाप कर वो हिंदुस्तान को आजाद कराने के ख्वाब देख रहा है। आजादी माई फर्स्ट, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर एंड शैल नेवर। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अरे पुरानी हिंदुस्तानी बातें छोड़ो, हाउ डू डू माय बॉय। कब आई हो बेटा? अभी थोड़ी देर हुई। आंटी ये दर्जी कहाँ से पकड़ लाए? दर्जी नहीं जनाब, दर्जन। सोचता मैं भी दो तीन अपने कुर्ते सिलवा लूं। राजेश अरे भाई तुम अपने भाई को समझाते क्यों नहीं? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उस नंगे फकीर के चरखे से डरने वाली नहीं है। और ये न्यूज़पेपर वगैरह क्या है, सब भरे रह जाएंगे। दरिया में रहकर मगर मुझसे बैर नहीं करते। अंकल मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ अगर दरिया में रहकर किसी से बैर करना ही है तो मगर मुझ से करना चाहिए। खैर इन बातों को छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म होगी ना, कौन से नौकरी दिलवा दूं? थैंक यू अंकल, मैं तो एमए पास करके किसी यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ाऊंगा। दिस इज द ट्रबल विद नेटिव, दे हैव नो एंबिशन। प्रोफेसर को क्या तनख्वाह मिलती होगी? ये कोई 300-400। ये तनख्वाह तो गवर्नर साहब के बावर्ची को मिलती है। हाँ तो ठीक है, हम भी किसी लाट साहब के बावर्ची बन जाएंगे। फिर भी दाल नहीं करने की। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, नहीं तो पिट जाऊंगा किसी के हाथ। वो क्या मुन्नी इंतजार कर रही है ना? नमस्ते। मिसेस दाल में कुछ काला है, समथिंग ब्लैक इन द डॉल। अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ, देखा मुझे तो छोड़ दिए मुंह फुला के हाथ। मैं आपसे डरती नहीं हूँ कि आपके सामने अंगड़ाई भी ना ले सकूं। ये लो बस, बस इसी तरह रहो, इसी तरह। अंगड़ाई मेरे सामने ऐसे न लिया कर, शीशे का बना है ये बदन टूट ना जाए। शेर पढ़ पढ़ कर जिंदगी गुजार लो, बुद्धू कहीं के। क्यों साहब, जिंदगी तो मैं गुजारूंगा इन आंखों में झांक के, इन होठों को छू के, इन जुल्फों को उलझा के, इन बाहों में उलझ के। ये मुंह देखे का प्यार मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे दिल ने भी खाए हैं इंतजार के जख्म, तुम्हारा प्यार ना होता तुम मर गए होते। मर गए? अरे वाकई मर गए। अरे मुझे छोड़ो तो सही। अरे अरे सुनो सुनो, तो काम के कमरे में क्या काम है? किताब ढूंढने जा रहा हूँ। अरे उतर नहीं। अच्छा अच्छा नीचे बैठ जाओ। अरे सर दिखता है, नीचे नीचे। इसे तुम नहीं समझती, दाल में कुछ काला है। There is something black in the door. I must find it. क्या ढूंढ रहे डैडी? क्या ढूंढ रहा हूँ? माटी मिली किताब किताब ढूंढन आए हो? यस 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 यस। कहा है वो मेरा? कहा होगा? क्या हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। मेरा आर्टिकल लाइब्रेरी में डैडी। हाँ लाइब्रेरी। कहा लाइब्रेरी डैडी? लाइब्रेरी तो वहाँ है।
लाइब्रेरी इधर है? हाँ, उधर है। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। आंख मिचौले के बगैर प्रेम कहानी कभी नहीं बनती है ना। सुनो सुनो एक कहानी, जब आती है रुत जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। Thank you.
लगे बैठे हैं, साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। गालिब बेचारा दीवान ना छोड़ गया होता तो क्या करते जनाब? पेशदस्ती? पेशदस्ती? धोल धप्पा, लड़ाई झगड़ा, धोल धप्पा उस सराबा नाज का सेवा नहीं, हम ही कर बैठे थे गाली पेशदस्ती एक दिन। किस दिन? तो बताओ। मैं हमेशा वहाँ क्यों? तुम्हारे पांव में क्या मेहंदी लगी है? अरे हुजूर, मेहंदी तो हम लगवाएंगे एक दिन आपके हाथ पांव में धूम धड़ाके के साथ। आ जाओ। मैं क्या जानूं? आप जाने ना जाने, हम जान गए। क्या जान गए? यही कि आजकल लन जलाकर हमारे ख्वाब देखे जा रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल कल पोएट्री का पर्चा है, इसलिए याद कर रहे। देखो देखो क्या याद कर रहे हैं। रज खान। रज खान? हमारे रज खान में क्या रखा? अरे राजेश खान को पढ़ो तो कोई बात भी बने। ये सुनो, वहां अंदर कल से मजे उड़ाएगा, पर हम यहाँ बैठकर फाकते उड़ाएंगे। तो और क्या करें? शादी की रिहर्सल था। दूर हट के बैठो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कभी तो सीरियस रहा करो। शादी के बाद तो बड़े बड़े सीरियस हो जाते हैं। ये चोरी चोरी मिलने का मजा जाता रहेगा। तुम शादी के बाद बेधड़क बेडरूम में आ जाया करोगी, इसका पूरा रोमांस चौपट हो जाएगा। करो शादी। करूँ कैसे नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा, और मैं सारी जिंदगी ये सोच सोच के चलता रहूंगा कि वो छू रहा होगा इन जुल्फों को, देख रहा होगा इन आंखों में, चुन रहा होगा इन होटल को। मैं जाती हूँ। बीबी बिनत सैयद अली अमजद मरहूम, क्या सैयद अनवर हुसैन जैदी वल्द बाकर हुसैन जैदी से 14,000 सिक्के रायजुल वक्त और 5 दीनार सुर्ख पर आपको निकाह कबूल है? कहिए कबूल है? बेटी जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुमसे भी पूछ लेंगे। या अल्लाह, सैयद अनवर हुसैन जैदी वल्द सैयद बाकर हुसैन जैदी, क्या फातिमा बीबी बिनते सैयद अली अमजद मरहूम से 14,000 सिक्का इराजुल वक्त और 5 दीनार सुर्ख पर आपको निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। हौल विला कुव्वत। आप भी पर खुदा, जब आपका वक्त आएगा जो आपसे भी पूछ दिया जाएगा। अनवर साहब, आपको निकाह कबूल है? कबूल है। चलिए किबला, अब तो हम दोनों ने कबूल कर लिया। कामनी बीबी बिनते राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा, क्या राजेश नारायण से 14,000 किसिस पर ईयर और 2 गजल हर हफ्ता सुनने पर आपको निकाह कबूल है? कबूल है। राजेश नारायण वल्द कमलेश नारायण, क्या कामनी बीबी से 14,000 गालियां पर ईयर और 2 लड़ाई हर हफ्ते करने पर आपको निकाह कबूल है? नहीं। क्यों? तुझसे प्यार करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो दोनों किसी को नजर नहीं आए, जल दरिया में डूब जाए, जल दरिया में डूब जाए, दोनों किसी
किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया तो घटा छा जाएगी, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा, तेरी जुल्फ उड़ेगी तो घटा छा जाएगी, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो मन तरसेगा, मन तरसेगा तो मुफ्त में मन को यूं तरसाए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में देख लो, ये तुम्हारा होने वाला दामाद है। लेकिन देवी का भी तो कुछ ख्याल करो। उसी का ख्याल कर कैसे चुना है? जज का लड़का है, आईपीएस में है और 25 साल की उम्र में डीएसपी हो चुका है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हम सबका ये नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बापू जी फिर घर जा रहे, तथा आप कैसे जेल में जाते? अगर मैं जेल चला गया बेटे तो तुम्हारी गुड़िया के लिए वर कौन लाएगा? बाबूजी आप कब आएंगे छूट के? जब सरकार छोड़ देंगे आ जाएंगे। अच्छा, बाबूजी बार बार क्यों जेल जाते रहते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों से उनका प्यार कुछ कम हो गया, आपको क्या लगता है? हमें भी ऐसे लगता है। यार खिचड़ी पक रही है चाचा भतीजी। भैया मुन्नी पूछ रही है कि आप बार बार जेल क्यों जाते हैं? छोटे, मेरे जेल जाने की बात जब तुम्हारी समझ में नहीं आती तो मुन्नी बेचारी क्या समझे? साहब, चरखा घुमाकर आजादी पाने की बात मेरी समझ से तो बाहर है। जिस अंग्रेज की हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, उसे आप एक चरखे, एक झंडे, एक नारे से कैसे हरा सकते हैं? छोटे, तेरा ख्याल गलत है। देश के सिपाही के लिए चरखा भी हथियार है, झंडा भी हथियार है और नारा भी हथियार है। ठीक है, तो फिर लड़ते रहिए ना हथियारों से। लेकिन जेल से आने के बाद
अगर अंग्रेज फिर यहां मिला हार मान जाएंगे। शायर तो खैर तुम हो, मगर एक शेर सुनो। मेरी हिम्मतें भी झुकी नहीं, मेरे शौक अब भी बुलंद हैं, मुझे हार जीत से क्या गरज, मेरी जंग थी मैं लड़ा किया। करते थे, मुझे तो आंसू पोछना भी नहीं आता और वो उठकर पहुंचते भी नहीं। आप पहुंच देते हैं, मत रो चाचा, रो भी तो हम मुंह बन जाएगी बाबूजी की तरह। छोटे मत रो, कहा ना कि मत रो। मैंने कहा था भाभी, इनका प्यार हम घर वालों से कम हो गया। ऐसे लोग अपने भाई साहब का बलिदान का अपमान मत करो छोटे। देश पर मरे वाले कभी न मरे छोटे, कभी न मरे। इनके खून का तिलक लगा के ये घर तो धन्य हो गया है। हमारे हाथ की चूड़ी बढ़ गई, हमारे माथे की बिंदिया मिट गई, लेकिन हम न रोए। किसी सूरमा की विधवा होना भी बड़े सौभाग्य की बात है। आई एम सॉरी राजेश, बट हम लोगों ने ये फैसला किया है कि तुमको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं? उनके एक घर के लिए एक कुर्बानी काफी है। कुर्बानियां गिनकर नहीं की जाती खालिद भाई। मुन्नी ये सवाल आपसे नहीं मुझसे पूछती, उसके बाबा कहाँ गए और कब आएंगे। मतलब ये कि तुम अपने भाई का बदला लेने के लिए पार्टी में आना चाहता है। उनका बदला लेने के लिए मुझे आपके पास आने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर भाई की मौत ने इनके दिल पर असर किया है बासुदा, और ये भी हमारी तरह आजादी के लिए मरना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं गुलामी में जीना नहीं चाहता। भैया को अंग्रेजों ने नहीं मारा, भैया को मारा है तो इस देश की गुलामी ने। भैया मरे तो सारा शहर बुजदिलों की तरह खड़ा उनकी मौत का तमाशा देखता रहा। खालिद भाई, मैं बुजदिल गुलामों के साथ जीकर अपने भाई की मौत की तौहीन नहीं करना चाहता। अगर तुम गुलाम होकर जीना नहीं चाहते तो तुमको शहीदों की तरह मरना सीखना होगा। मैं मरना सीखने तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। मैं 10-20 अंग्रेजों को मारने के बाद मरना चाहता हूँ, वो सिखाओ मुझे।
फिर भाभी और मुन्नी का क्या होगा? किसकी भाभी, कैसी मुन्नी? अब मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। इम्पॉसिबल, नेवर। राजेश से तुम्हारी शादी हर दिन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मिसेस सिन्हा, शट अप। डैडी, अगर आप मेरी शादी राजेश के साथ करके मुझे विदा नहीं करेंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। सुन रही है मिसेस, ये उसके घर जाना चाहती है जिसका भाई भुक्कड़ कांग्रेसी था। डैडी, आज आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं कल उन्हीं का नाम देश में इज्जत से लिया जाएगा, और आप जैसों का नाम तो कोई याद भी नहीं करेगा। टेल दिस शंकर गर्ल, अगर राजे से शादी करनी है अपना प्याम खुद लेकर जाए। मंदिर गई। सुनो। तुम सुनो, रात मैंने एक नज़्म लिखी, सुनोगी? जरूर सुनोगी। सुबह एक नज़्म, शाम को एक की, मगर शादी के बाद। शादी? मैं तुमसे शादी की बात करने आई हूँ। किससे? तुमसे। आप किससे? मुझसे। डैडी को हमारी शादी पसंद नहीं है। मैंने जिद की तो डैडी ने कहा अपनी शादी की बात तुम खुद जाकर कर लो। कमाल है, हम पहली बार सुन रहे हैं कि लड़की अपनी शादी की बात खुद चला। मजाक छोड़ो। मजाक और आज की यही तो दो बातें हम नहीं छोड़ सकते। वो तो शादी के बाद भी हो सकती है। शादी के बाद तो हर चीज ठीक ही पड़ जाती है। ये शादीवादी का चक्कर छोड़ो, हम तो बराबर आज की करती रहो, तुम भी खुश हम भी खुश। देखो कामनी, मैं एक शायर हूं और मैं अपनी शायरी के गले में तुम्हारे पांव की झांकी नहीं डाल सकता। तुम मेरे लिए कोरा कागज थी जिस पर मैंने अपनी शायरी की प्रैक्टिस की, याद है? उस रात मैंने तुमसे कहा था शादी इश्क का पूरा रोमांस ही चौपट कर देती। उस रात तुमने ये भी तो कहा था कि मेरे हाथ पांव में मेहंदी लगवाओगे। कहा था तुम सिर्फ भूल रही हो, वो सिर्फ आशिकी की बातें थी, शादी के वादे नहीं। बहुत अच्छी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर ये कहने नहीं आई कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, और ना ही मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। तुम समझते हो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जिंदगी में कुंवारी रह जाऊंगी। मेरी शादी होगी और किसी शरीफ आदमी से होगी, और तुम सारी जिंदगी पछताते रहोगे। हैरान हूं तुम्हें इतने बरसों में पहचान न सकी, मगर फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे वक्त पर बता दिया कि तुम कितने गिरे हुए आदमी हो। कहानी शुरू करने का एक अंदाज ये भी है भाई साहब। माँ, डैडी ने ठीक ही कहा था, मैं किसी भुक्कड़ कांग्रेसी के घर नहीं जाना चाहती। राजेश से झगड़ा हो गया का? झगड़ा नहीं, छुटकारा हो गया है। मैं किसी शायर के गले की फांसी नहीं बनना चाहती। डैडी से कह दीजिए वो जहां मेरी शादी चाहे करवा सकते हैं। कामनी, तेरे पिताजी एक लड़का पसंद किए, कहो तो तस्वीर दिखा दे। मैंने तो चीता जागता आदमी देखा था, उसे नहीं पहचान सकी तो तस्वीर देखकर क्या करूंगी। डैडी ने पसंद किया है तो ठीक ही होगा, मेरी आंखों पर से मेरा भरोसा उठ गया है। तुम
तुम लोग क्या चाहते हैं? उस जमीन में दफनाना चाहता हूँ जिस जमीन पर तुम लोग हुकूमत कर रहे हो। मर्सी मैडम, क्या इन्होंने भैया पर गोली चलाने का हुक्म देते वक्त रहम किया था? ये सोचा था कि मेरी भाभी बेवा हो जाएगी, मुन्नी यतीम हो जाएगी। अगर तुम मर्द के बच्चा है, हमको भी रिवॉल्वर दो, इक्वल फाइट। जब तुमने गोली चलाने का हुक्म दिया था तो उन बेचारे हिंदुस्तानियों को कौन से हथियार दिए थे? मरने से पहले बोलो इंकलाब जिंदाबाद, दम लेते के इंकलाब जिंदाबाद, दम लेते के इंकलाब जिंदाबाद, दम लेते के इंकलाब जिंदाबाद। Who is Rajesh? I say, who is Rajesh? Arrest him! Arrest him at any cost! I want him dead or alive. Shooting, shooting at sight. क्या करें, हम हमेशा उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी बदकिस्मती हुजूर की हमेशा वो भाग निकल जाता है। अरे ये तो चाचा को पूछो, 25,000 का इनाम। भाग ही भाग, चाचा को काहे का इनाम मिल रहा है? देश के वास्ते लड़ेगा। तो फिर हम भी देश के वास्ते लड़ेंगे, मगर चाचा से हमारी कुट्टी। क्यों, कितने महीने हो गए हमसे मिलने न आए, अब हम चाचा से ना ही बोलेंगे। तू तो खफाने नहीं चाचा से, अब आए देर ना भाई, तो चढ़ गई गोदी में। अब क्या करेंगे उसे चाचा? अरे हम तो गए रहे अपनी मुन्नी के वास्ते एक तो अच्छा सा दुल्हा ढूंढने। दुल्हा मिला? हाँ। अलावा क्या हाल चाल है? अब हाल चाल कहाँ रह गए भैया, कामनी भी आना जाना बंद किए है। उनका तो ब्याह हो वाला है, बड़ी धूमधाम। लेकिन हिंदुस्तान की जमीन से अंग्रेज के नापाक कदम हटने के बाद
जो पहला गुलाब खिलेगा उसमें तेरे लहू की लाली तेरे बचपन की खुशबू होगी मम्मी। जरा हाथ पकड़ लो। हाँ छोड़ो यार। राजेश तुम नहीं जानते बहुत दर्द हो। वसुधा आना। गलियों में घूम रही है, शायद हमारा पता चल गया है। मुझे रिवॉल्वर दो। रिवॉल्वर? क्या मतलब? मुझे उठाकर मूर्ति के पीछे बिठा दो और तुम मुड़ जाओ। पागलपन की बात ना करो राजेश। जिद ना करो खालिद भाई। अगर तुम लोग अभी निकल गए तो मैं थोड़ी देर के लिए शायद पुलिस को रोक सकूंगा। जिद करोगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। लेकिन लेकिन तुम लोग मुझे इस हालत में कहां लेकर जाओगे? इस शहर में कोई है जो मुझे बना देगा? यहां तो नहीं लेकिन गाजीपुर में। गाजीपुर? तुम्हारा मतलब धीरज है? हाँ लेकिन वो तो एसपी पुलिस है। तो क्या हुआ? अरे पुलिस वाला होने से बहुत पहले वो मेरा यार है ना। भरोसा है? अरे जितना भरोसा मुझे उस पर है आनंद उतना तो मुझे अपने आप पर भी नहीं है। मैं ट्रक निकलवाता हूं। शेर खान। ओ खालिद मिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दिया दिया के तरह तंग दर किनार कसम। एक परेशानी है शेर खान। माल का परेशानी है तो माल हाजिर है और जान का परेशानी है तो सर हाजिर है। यार तुम तो मरने मारने से नीचे बात ही नहीं करते। जान और माल की परेशानी नहीं, थोड़ी सी मदद चाहिए। हुकुम ब्रदर हुकुम। मेरा एक साथी जख्मी है शेर खां, उसे गाजीपुर पहुंचाना है। बस इतना सा काम पहुंचा देगा। लेकिन खोज जी, अगर वो जख्मी है तो तुम उसको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाता? हाँ वो एक इंकलाबी है शेर खां, आजादी का सिपाही, उसके नाम वारंट है। इस काम के लिए मैं तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। अरे भरोसा तो सिर्फ खुदा पर करना चाहिए। गाजीपुर में कहां पहुंचाना है उसे? एसपी धीरज कुमार के घर। तुम्हारा जैसा दोस्त हो तो दुश्मन का कोई जरूरत नहीं। तुम कितना साल से तरबूज नहीं खाया हा? बोलो बोलो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं। तुम अभी बोलता है कि उसके नाम पे वारंट है और तुम अभी बोलता है उसको एसपी साहब के घर पहुंचाना है। वो पुलिस अफसर जरूर है लेकिन राजेश का दोस्त भी। ओहो ओहो ओहो, समझ गया। तो ठीक है, हम दोस्त को दोस्त के पास पहुंचा देगा। पर ये काम बड़े खतरे का है शेर खां। खालिद मियां, पठान का जबान में खतरे का लफ्ज ही नहीं। जाओ उसे ले आओ। तब तक हम अपने गुलनार को ठीक कर देगा। चल बेटा गुलनार, रिटायर्ड हो जा तू। Thank you.
करता है। तुम्हें तकलीफ तो नहीं देती ब्रदर? अब गोरी का सहारा लेकर लेट जाओ। तुम मेरे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो शेर खान? वो जान किस काम का ब्रदर, जो किसी और के काम ना आ सके। मगर तुम तो मुझे जानते भी नहीं शेर खान। हम तुमको नहीं जानता, आजादी को जानता है, खुली हवा को पहचानता है। अरे बिरादर, इस लॉरी का तकदीर खुल गया है। हिंदुस्तान में ईंट और पत्थर ले जाने वाला बहुत लॉरी है, लेकिन आजादी को ले जाने वाला सिर्फ शेर खान का लॉरी है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरजू, तू ही मेरी आभरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्नी सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है तू उतना तड़ पाता है तू, जितना याद आता है तू उतना तड़ पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। शेर खान, मुझे यहीं उतार दो यार। शेर खान की लॉरी का सामान मंजिल पे उतरता है, रास्ते पर नहीं। मेरे देश की लड़ाई में तुम अपनी जान पे क्यों खेल रहे हो? शेर खान ने इस मुल्क की हवा में सांस लिया है, इसके दरिया का पानी पिया है, इसके खेत का अनाज खाया है। सिर्फ तुम्हारे यहां पैदा हो जाने से ये मुल्क तुम्हारा नहीं हो जाता बिरादर। आराम से बैठो, शेर खान की लॉरी को ये चार सिपाही नहीं रोक सकते। तुम्हारा दोस्त के घर में तो रोशनी ही रोशनी है। शेर खान, ईमानुल्लाह। तमी से खाना ले आई, चुपके से खा लिया। ले, नहीं खाए के अरे संसद से बुढ़िया से का शर्माथ में बुलाए। नीलमा से कहाँ जा रही हो? पागल हो गई लेखा, चल 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 क्या।
आज रात का मुझे बिल्कुल तजुर्बा नहीं, ये मेरी पहली शादी है। अच्छा ख्याल ही नहीं आया, मुंह दिखलाई दिए बिना मुंह कैसे देख सकता हूं भला। आप शायद हंसेंगी, लेकिन अपने से पहले मैं आपको अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूं। ये उसका दीवान है। जान इसे दे चुका हूं, दिल आपकी नजर करता हूं। पता नहीं इससे कब और किन हालात में मुलाकात हो, शायद हो ही नहीं, लेकिन कहीं मिला तो इसे सामने बिठाकर आपसे दोबारा शादी करूंगा। कौन है? धीरज, शादी मुबारक हो। अरे मार भूली सर, मुलाकात तो करा। इस मुलाकात के लिए मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं है। मैं आपके पति का सबसे चहेता दोस्त हूं, उदार में दिखलाइएगा। इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? इतना अच्छा शहर, तो पुलिस से धारा भरा थे। आगे तो जानती होगी जौनपुरी का दफर। मैं इनकी पूरी कहानी जानती हूँ, ये हमारे पड़ोसी है। यानी तो आप उसे अच्छी तरह जानती हूँ? जानती हूँ लेकिन अच्छी तरह नहीं। पिताजी गवर्नमेंट के आदमी हैं और ये गांधी जी के, इसलिए इनके साथ अच्छी तरह मेलजोल ना रह सका। ये तो बहुत अच्छा हुआ, जब मैं दूसरी पे जाऊंगा तो आप इसकी देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। जब तक ये अच्छा नहीं हो जाता इसको छुपा रहना बहुत जरूरी है। कोई नौकर चाकर नर्स डॉक्टर कमरे में नहीं आ सकेगा, इसका नर्स डॉक्टर हमें को बनना पड़ेगा। अब तबीयत कैसी? अब तबीयत कैसी है? तबीयत का तो हमेशा से अच्छा हूं यार। अरे उठता क्यों है? लेटा रहा, लेटा रहा। मैं यार चलूंगा। यार तेरा दिमाग बिल्कुल खराब है क्या? चलूंगा कैसे? जब तक ठीक नहीं हो जाता चुपचाप यहीं पड़ा रहे। तू भी कमाल है यार, यहां से गुजरा था देखा तेरी शादी हो रही, सोचा मुबारकबाद दे दूं। दीदी आज तेरी स्वागरात है, मैं कबाड़ में हड्डी क्यों बनूं? या तू बिल्कुल उल्लू है। मेरी स्वागरात केवल दोस्ती से बड़ी है। यार एसपी साहब आप भी चौंगट हैं, तुझे पता नहीं कि पुलिस मेरी तलाश में है। वाकई पुलिस तेरी तलाश में है? फिर भला मुझे कैसे मालूम होगा, मैं तो एक एसपी हूं। हाउ डू यू नो कि मेरी पुलिस तेरी तलाश में मेरे घर आए? कुछ भी हो नहीं रुको,
नहीं रुकूंगा। साहब इस अभियल टट्टू को समझाइए ना। ये जब आपकी बात नहीं मान रहे तो भला मेरी बात क्या मानेंगे? कह के तो देखिए। ये जब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते? आप कर इनकार, अब बस चुपचाप सो जा। क्या सो रहा? यहाँ इस पलंग पर। पागल हो गया क्या? इसमें पागलपन की क्या बात? लेकिन तुम लोग कहाँ रहोगे? हम लोग एक दूसरे के दिल में रहेंगे। साहब आपके दिल में मेरे भर रहने की जगह निकल आएगी ना? सूरज जिद मत कर, मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी? मैं तुझे नहीं बता सकता। नहीं बता सकता तो चुपचाप लेटा रहा। मेरे मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अभी तो दुश्मन नहीं। अरे पागल तू नहीं समझेगा, दुश्मन की दुश्मनी से ज्यादा दोस्त की दोस्ती खतरनाक बन जाती है। सोचे तुम पुलिस वाला कभी थकता नहीं क्या? अरे आधा रात हो गया तुम्हारा वही सवाल। ठीक जवाब दोगे तो सवाल खत्म हो जाएगा। अरे खोज तुम्हारे मगज कहाँ है? जब हम सच बोलते हैं तो तुम सोचते कि हम झूठ बोलते हैं, और जब हम ठीक बोलते हैं तो भी तुम सोचते कि हम झूठ बोलते हैं। खुशी खुदा कसम हमको ये समझाओ कि तुमको कैसा मालूम कि जब हम सच बोलेगा कि हम सच नहीं झूठ बोलता है। भगवान के लिए तपा हो जा और मेरा पीछा छोड़। शुक्रिया साहब, आपका भी जान छुटा, हमारा भी जान छुटा। एक मिनट बतवाल साहब, ये मेरा शिकार है। क्या नाम है तुम्हारा? ये कौन साहब है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम सुनेगा तो डर जाएगा। क्या नाम है? शेर खान बस जब्बर खान, बस बब्बर खान। जब हम तुमको रुकने को बोला तुम गाड़ी लेकर क्यों भागा? ओ खोटी, वो तुम क्या? ओ खोटी हम नहीं भागा, हमारे ट्रक भागा। हमारे जो पैर है ना वो ब्रेक पे नहीं एस्केलेटर पे पहुंच गया, और जब तुम हमारा पीछे कर रहा था तो हमको हमारा बचपन याद आ गया। हम सोचा शेर खान आज पुलिस से खेलेगा। पको मत, हमें खबर मिली है राजेश कि तुम अपने ट्रक पर छुपा कर यहाँ लाए हो, बताओ क्या है? राजेश? कौन राजेश? वही जिसकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 25,000 का इनाम मुकर्रर किया है। कुछ ये तो बहुत बड़ा इनाम है, हमको भी लेकर आओ। जनाब ये बहुत छटा हुआ बदमाश लगता है, कल आप सुबह तशरीफ लाइए, उस वक्त तक इसका बाप भी बतला चुका होगा कि राजेश कहाँ है। वालेकुम सलाम। सब गांधी बाबा का आदमी है क्या? हाँ सर। अल्लाह की मेहरबानी से सब आजाद हो जाएगा। दुल्हन बेगम इजाजत? अभी सो रहे हैं। सो रहे हैं तो कोई मुजाका नहीं। पिलाइएगा,
तू भी क्या याद करेगा बच्चे, हमारी बेगम के हाथों की बनाई हुई चाय की पहली प्याली तू भी पिया। बच्चे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तेरे पड़ोस से क्या चीज उड़ा ला रहा हूं। हाँ शायर हो, माफी का खेल समझे। ये तेरे सुख की साथी है, ये तेरे दुख की साथी है, खुदा की मेहरबानी हो तो दुल्हन घर में आती है। एसपी साहब, ये दवाइयां छोटे मोटे जख्मों के लिए नहीं है, ये तो बड़े जख्मों के लिए हैं, जो चाकू या गोली वगैरह लगने से हो जाते हैं। अभी बशार जी, आपको तो मालूम है कि हर शहर में आजकल दंगे फसाद हो रहे हैं, खासतौर पर इन फसादियों का निशाना पुलिस होती है। मैं एहतियात नहीं ले जा रहा हूँ, वैसे कोई बात नहीं है। आप ठीक कहते हैं। दुल्हन बेगम, ताजिश का ख्याल रखिएगा, नौकरों तक को राजेश की हवा नहीं लगनी चाहिए। और नौकरों को तो मैं रोक लूंगी, लेकिन लीला मासी को कैसे रोकूं? सख्ती करनी पड़े तो सख्ती कीजिएगा, और हाँ हो सके तो कमरे की सफाई भी आप खुद ही कीजिए। कमरे की सफाई? लेकिन नौकर क्या सोचेंगे? नौकर कुछ भी सोचें, बात तो यह है कि हमें राजेश को बचाना है। आप उन्हें किसी महफूज जगह पर क्यों नहीं भेज देते? दुल्हन बेगम, राजेश के लिए इस घर के अलावा और कोई जगह महफूज नहीं है। दुल्हन बेगम याद रखना, अगर राजेश हम लोगों की गलती की वजह से कहीं पकड़ा गया तो उसके लिए सिर्फ फांसी का फंदा है, सिर्फ फांसी का फंदा। कोतवाली में जाने से पहले खुशखबरी। अच्छा? वो ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया हुजूर, जो राजेश इनकलाबी को गाजीपुर ले आया है। फिर मैं कोतवाल से इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। गुड। तुम लोग अजीब किस्म का आदमी है, हम बोला ना कि हम कोई राजेश वाजेश को नहीं जानता। अरे खोची, हम बादाम बेचता, पिस्ता बेचता, हिंग बेचता, चिलगोजा बेचता। कभी चिलगोजा खाया? अरे तुम खाता तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता। अरे बाबा, एक खबीज दोस्त बोला कि हसीन बेचो, ज्यादा फायदा। हम हसीन बेचा, पकड़ा गया। लाहौर जेल इधर का जेल बहुत अच्छा था, आवाज तो था, इतना गर्मी भी नहीं था। अभी तो और गर्मी लगेगी। राजेश कहाँ है? फिर वही मुर्गे का एक टांग। अरे पहले अपना राजेश का जियोग्राफिया तो बताओ, कौन राजेश? देखो शेर खान, ये हमारे एसपी साहब बहुत रहमदिल आदमी है। तो तुम वो एसपी साहब हो? तो तुम वो एसपी साहब हो जो हमें इनाम दिलाकर निहाल करोगे? वैसे हमारे बड़े भाई का नाम भी निहालुद्दीन वफादार था। बहुत छटा हुआ आदमी है हुजूर, जरा सा ढीला करेंगे तो मैंने की तरफ बोलने लगेगा। याद आया कि राजेश कहाँ है? कोतवाल साहब, हम पठान का बच्चा है। देखा हुजूर, एक ही ठोकर में सीधी जबान बोलने। एक बार हमारा हाथ खोल दो, फिर खुदा कसम हम तुमको दिखाएगा कि एक ठोकर में तुम कितना जबान बोलेगा। राजेश कहाँ है? कहना कि हम पठान का बच्चा है। एक बार बोल दिया कि हम नहीं जानता राजेश कहाँ है, खुदा कसम नहीं जानता। इजाजत हो तो इसकी खाली झड़ना शुरू कर दूं? नहीं, फिलहाल उसे कारकोठी में बंद कर दो।
मुझे मालूम होता धीरज की दुल्हन तुम हो तो मैं यहां कभी ना आया होता। अब तो मालूम हो गया। मगर धीरज से कहूं क्या, बात बताए बिना वो मानेगा नहीं और बात मैं उसे बता नहीं सकता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहां से जाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। आप क्यों जाएंगे, आपके दोस्त का घर है, शौक से रहिए। रहूं कैसे, तुम्हें जो तकलीफ होगी। आप दूसरों की तकलीफ का ख्याल कब से करने लगे। देखिए राजेश साहब, आप मेरे पति के दोस्त हैं और मैं आपके दोस्त की पत्नी, मेरा और आपका सिर्फ यही रिश्ता है। आप शौक से रहिए, लेकिन जिस दिन मुझे इस बात का शक भी हो गया कि आप उनके लिए खतरा बन गए हैं तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। यार एक शायर के होते यह सन्नाटा खल रहा है। ए, कोई शेर व शायरी हो जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? अंधेरा। अंधेरा किस लिए? फिजा को शायराना बनाने के लिए। टक रहा था अंधेरों में जिंदगी लेकर, कहां से चांद निकल आया चांदनी लेकर। अब तो चांद भी निकल आया मेरे यार, अब तो कोई शेर सुनाते। यार क्या सुनाऊं, सारी शायरी भूल चुका हूं। तो भूल जाने पर ही कोई शेर सुनाइए। हाय हाय क्या खूबसूरत फरमाइश। राजेश, शमा भी है परवाना भी और तुरन बेगम की फरमाइश। जरा सी देर में परवाना जल के खाक हुआ, अकेली शमा को अब सारी रात चलना है। क्या बात कह दी तुरन बेगम, ये तो मानना पड़ेगा कि शायरों में कोई बात जरूर। बात ही बात होती है। सुना कुछ, दुल्हन बेगम चोट कर गई। इसमें चोट की क्या बात है, शेर लिखने में जाता ही क्या है। सादा कागज खींचा और लिख लिया। लेकिन लिखा क्या? वही जो शायर के दिल में छुपा होता है। तुम्हारे दिल में क्या छुपा है? अब यार आज खुल जाओ। हमने मांगी सजा जुदाई की, बस यही हमने एक बुराई की। तुम सुनाओ कोई वफा की बात, हमने तो खैर बेवफाई की। वाह ये हुई ना बात, अरे बेवफाई पर तो हजारों वफा कुर्बान। वाह सितम की दाद तो पहली बार सुनी है। सितम की दाद देते हैं, दवा की कद्र करते हैं, ये कैसे लोग हैं जो बेवफा की कद्र करते हैं। इसे कहते हैं जवाब। अब बोलो। वफाएं जो नहीं करते वफा की कद्र करते हैं, जो काफिर है वही बंदे खुदा की कद्र करते हैं। खुदाई रो रही है, तुम खुदा का नाम मत लेना, हमारी जान ले लो तुम, वफा का नाम मत लेना। दुल्हन बेगम तो आज तलवार बनी बैठी है राजेश। आज तुम्हारी खैर नहीं, मेरा ख्याल है तुम हार मान ही लो। हार मानने के बाद ही तो शायरी शुरू होती है कप्तान द ग्रेट। पर अगर गौर से देखा जाए तो वफा और बेवफाई की बहस ही गलत है, क्योंकि बेवफाई भी प्यार की तरह की नहीं जाती, हो जाती है। वफा के नाम पे आंसू बहाने में रखा क्या है,
जो पी जाते हैं आंसू उनसे ये पूछो वफा क्या है। वाह वाह पुरन बेगम, है कोई जवाब ऐसी वफा का? वफा का नाम होठों पर है, दिल में बेवफाई है, दुआ देते हैं जिनकी आंख ने दुनिया मिटाई। कहा आपका ये वजह सही कि हम बेकदर बेवफाही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़ कर मगर सहने गुलशन से यूं तोड़ कर पूरा हिस्सा फेंको फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता फेंको फूल बड़े नाजुक होते हैं, वैसे भी तो ये बदकिस्मत नाक पे कांटों की पोते हैं, फूल आहिस्ता सर्वेंट है, वो एसपी हो या डीआईजी, आप किसी के परवाह मत कीजिए, अपना ड्यूटी अंजाम दीजिए। हुजूर, क्या सोच रहे हो यार? सोच रहा हूं मैं कितना बेहुदा आदमी जो बेचारा अपनी जान पर खेल कर पुलिस का बैरिकेड तोड़ के मुझे यहां तक लाया, उसके बारे में मैंने कुछ पूछा ही नहीं, जबकि बताने वाला गधा सामने बैठा। धीरज, शेर खान नाम का कोई ड्राइवर पकड़ा तो नहीं गया? शेर खान ट्रक ड्राइवर? अबे चौंगट, मैं यहाँ का एसपी हूँ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कोई चोर भी पकड़ा जाए तो सबसे पहले मुझे मालूम होता है। तो बेफिक्र है, तो अब तक घर पहुंच गया होगा। यार जिंदगी में तूने एक ही काम समझदारी का किया। कौन सा काम?
पुलिस में भर्ती होकर। राजेश को कहां उतारा था? कौन राजेश? सिर्फ आधा पौना घंटा हुआ है एसपी साहब, इसे मालूम होता तो कब का बता चुका होता। इतनी मार खाने के बाद कोई चुप नहीं रह सकता। कोतवाल साहब, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा तो आप किसी और के धोखे में इससे वो बात पूछ रहे हैं जो इसे मालूम नहीं? इसे सब कुछ मालूम है सरकार, और ये सब कुछ बताएगा। ऐसा लगता है मारने से तो कोई असर नहीं हो रहा, इसे कुछ देर सोचने का मौका दीजिए। सोचना क्या है सरकार, अब भी बोलता है। वसी खान, नमक। शेर याद आ रहे थे साहब, सुनोगे? हर के चुटकी में नमक, हाथ में खंजर लेकर, इस पे मचले हैं कि हम जख्मे जिगर दे देंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? अभी समझाता हूं वसी खान। बुलवाने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। फिक्र न कीजिए सरकार, जिंदा भी रहेगा और बोलेगा भी। धीरज के लिए खतरनाक है तो चले जाइए। चले जाऊंगा। कब? अपना फंदा उनके गले में डालने के बाद या उससे पहले? मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने के बाद या उससे पहले? तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना घर उजाड़ने नहीं दूंगी। तुम्हारी दोस्ती से बड़ी दुश्मनी तो कोई कर ही नहीं सकता। अठारह सौ सत्तावन के खतर के बाद आज फिर गाजीपुर में वही हालात पैदा हो गए हैं। अगर आप हुक्म दें तो दफा 144 लगवा दूं, कर्फ्यू लगवा दूं, गोलियां चलवा दूं, या फिर आप दीजिए ना। क्या रखा है? शर्म आती है मुझको सहेली, नया घर है मगर हम नवेली।
दिया से बिछड़ा अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं तो आपके लिए क्या वो यहां से जा भी नहीं सकते? दोस्ती का फर्ज अदा करने का एक तरीका वो भी था, दोस्ती का फर्ज अदा करने का एक तरीका ये भी है जो उन्होंने किया। आप उन्हें दोस्ती का हक अदा कर लेने दीजिए। दोस्ती का हक कभी अदा नहीं होता। क्या देखा राजेश, चल घर चल। धीरज तू समझता नहीं है, मेरे जाने में बेहतरी है, मैं तुझे खतरे में नहीं डालना चाहता। बेवड़ाबाद मत कर राजेश, अगर मुझे खतरे में नहीं डालना था तो मेरे घर आया क्यों? धीरज वो बड़ी इंकलाबी की दुम बना फिरता है, जैसे कि आजादी का पार्सल खास तेरे पते पे आने वाला है। चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, नहीं तो यहां से बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूं, पकड़ा ही तो जाऊंगा ना। पागल हो गया क्या? हां पागल हो गया। देख धीरज मत, नहीं देखता, या तो तू मेरे साथ चलेगा नहीं तो मैं तेरे साथ चलता हूं। चल हजूर आप। हाँ कोतवाल साहब, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? लाइट खराब हो गई थी, आप लोगों का बंदोबस्त देखने आया था। एनी न्यूज ऑफ राजेश? है तो वही इसी शहर में हजूर। इसी शहर में तो गिरफ्तार क्यों निकल लेते? पुलिस की बदनामी हो रही है। यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट कोतवाल साहब। यस सर।
चौंगट, ये एकदम से जाने की कैसी सूझी तुझे? धीरज, सच सच बताऊं? बता। मैं तेरे रंग में भंग नहीं करना चाहता था, और फिर जीने से भी उचाट हो गया तुम्हारी ये हस्ती खेलती जिंदगी को देखकर। सोच में पड़ गया मेरी खुद की जिंदगी का क्या मतलब है, शायद कुछ भी नहीं। राजेश, जिस जिंदगी में मोहब्बत हो वो जिंदगी बेमाने कैसे हो सकती है? वो किस्सा तो कब का खत्म हो गया मेरे यार। हाँ? क्यों, उस लड़की ने धोखा दिया क्या? धोखा तो मैंने दिया उस लड़की को। तूने? ये रहा आपका पड़ोसी, आज तो ये पिटते पिटते बचा मेरे हाथों से। हसरत, अरे सुअर पाजी, दलील कमीने, बदतमीज, ये रही इनकी खूबियां। दोस्ती का पर्दा डाल दीजिए, सारे अच्छे छुप जाएंगे। साहब आप ही इंसाफ कीजिए, इन्हें क्यों ला रहे हो बीच में? इन्हें बीच में क्यों ना लाऊं? इन्हें तो जज बनना है और मैं वकील बनूंगा। केस होगा उस लड़की का जिसे तूने धोखा दिया, और ये जो भी फैसला करेगी बच्चे तुझे मानना पड़ेगा। मुझे तो माफी रखिए, दो दोस्तों के बीच में मैं क्यों आऊं? क्यों साहब, आपको उस लड़की से हमदर्दी नहीं जिसे इसने धोखा दिया? हमदर्दी की वजह से जज नहीं बन सकती, ना इंसाफी कर बैठी तो आप ही शिकायत करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा। आप यहां रखिए और गौर से सुनिए, शायद आप तक उस लड़की के दिल के टूटने की आवाज आ जाए। तो जज साहब, इल्जाम ये कि इसने एक लड़की से मोहब्बत की और इस मोहब्बत के इम्तिहान में पूरा नहीं उतरा। उनकी गली से कम तो नहीं है वतन की राह, मरने की बात आई तो हम उस तरफ चले। मगर वतन से वफादारी की ये शर्त कब निकल आई कि आदमी अपने प्यार से गद्दारी करे? क्या उस लड़की ने कभी तुझसे ये कहा कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा ना ले? अजी साहब, आप इस मुखालते में ना रहे कि आपने वतन की राह में कुर्बानी दी है। कुर्बानी कुर्बानी कुछ नहीं दी आपने, सीधी साधी जबान में आपने उस लड़की को धोखा दिया। उस लड़की का क्या हुआ राजेश साहब? उस लड़की का क्या अंजाम हुआ राजेश साहब? उसकी शादी होगी। क्या वो अपनी शादी से खुश है? उसके खुश होने का सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। हिंदुस्तानी लड़की जब प्यार करती है तो उसे जिंदगी भर निभाती। नहीं वकील साहब, हिंदुस्तानी लड़की जब शादी करती है तो उसे जिंदगी भर निभाती है। लेकिन ये तो कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला साफ है राजेश साहब, आपको उस लड़की से सच बोलना चाहिए था। मुमकिन है किसी की बीवी बनकर जीने के बजाय आपकी बेवा बनकर जीना वो ज्यादा पसंद करती। क्या गजब की बारिश हो रही है। अरे दुल्हन बेगम, आप भीगी कैसे? खिड़की में खड़ी थी, आप इतनी जल्द आ गए? ये मौसम चोरों चकों के साथ सर खपाने का है या आपके साथ बैठकर चाय पीने का, फुल्कियां खाने का और राजेश के साथ गप लड़ाने का? जरा सी घुटन हो रही, खिड़की खोल देता। घुटन क्यों ना हो, कब से इस कमरे में बंद हो और फिर ये जालिम मौसम। एक काम करते हैं दुल्हन बेगम, राजेश के साथ एक लंबी ड्राइव मारा, क्या ख्याल है? आपका तो दिमाग खराब हो गया, यहाँ पुलिस वॉलंटियर घूम रही है और आप घूमने का आइडिया दे रहे हैं, जवाब नहीं आता। अरे हम भी तो पुलिस वाले हैं, सोच समझ के ही बात करते हैं। इधर कैमोफ्लाज करके भेजेंगे, ले ले जोड़ ले। आजा आजा,
बेगम लग रहा ना मेरे जैसे? तेरे जैसा लगू या नहीं, मगर जाऊंगा नहीं। दुल्हन बेगम समझाना इस भरूंग को। आप लोग अपनी बातों में मुझे न फंसी। जब ये इतना कह रहे हैं तो चलिए मैं जरा घूमा। देगा राजेश खान यही ना बात, दुनिया में इन दुल्हन बेगम का कोई जवाब नहीं। क्या तेरे बाद अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो बस ये नहीं सर। ये धीरज तुम भी साथ चलना, जमाना हो गया साथ घूमे हुए। बस जब भी बात करेगा बेवकूफी की। अरे मैं तो जब चाहे जा सकता हूँ लेकिन तू तो सिर्फ आज जा सकता है। तो इस बरसात में, इस बरसाती की आड़ में जब तुम दोनों जाओगे तो लोग यही कहेंगे कि धीरज और उसकी दुल्हन बेगम जा रहे हैं। अरे बस जल्दी करो जल्दी करो, पानी थम गया तो तुम लोग जा नहीं सकोगे। अरे मेरी जान ऐसे मौके बाजा नहीं आते। सोचो मत, अब चल दो मार्च। एक मिनट का फासला रखकर चलोगे तो सबसे पहले नौकरी तार जाएंगे। ऐसे चलो ऐसे ऐसे जैसे दुल्हन बेगम और हम जा रहे हैं। कोतवाल साहब, क्या आप भी फसादियों के डर से दवाइयां ले रहे हैं? क्या मतलब? आपके एसपी साहब भी कुछ दिनों पहले ऐसी दवाइयां ले गए थे। एसपी साहब ऐसी दवाएं ले गए थे? लेकिन लेकिन एसपी साहब को दवाओं की क्या जरूरत पड़ गई? ये दवाएं तो सिविल सर्जन साहब ने मंगाई है। एक कैदी का जख्म बिगड़ गया है गोली लगने से, उसके इलाज के लिए। वो होगा साहब पूरा दवाखाना उठा लिया बाजार से। घायल? घायल तो कोई नहीं हुआ सरकार। लगता है हुजूर आ गया। मिस्टर सिंह आप भी दिन कभी चेंज कर दीजिए। जिस दिन मैंने यहाँ का चार्ज लिया था उस दिन कह दिया था कि मुझे घर पर सुबह शाम की हाजिरी देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। माफी चाहता हूँ हुजूर, मगर कलेक्टर साहब बहादुर का हुक्म है कि लाट साहब वार फंड के जलसे में तशरीफ ला रहे हैं। उनके आने से पहले राजेश का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। कलेक्टर साहब ने मेरे सबॉर्डिनेट्स जो मेरे नीचे काम करते हैं उनको हुक्म देना कब से शुरू किया?
और फिर राजेश को गिरफ्तार करना कोई मजाक नहीं है। इस सिलसिले में मेरे लिए कोई हुक्म? नहीं डरो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। क्या हुआ? जरा चक्कर आ गया था। धीरज, धीरज, वो इंस्पेक्टर, वो कोतवाल गया? वो कमबख्त कोतवाल टलने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं उससे निपट के आता हूं। राजेश की गिरफ्तारी के लिए कोई तारीफ मुकर नहीं की जा सकती है। पंद्रह दिन राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाए। और वैसे तो मेरे ख्याल में राजेश इस शहर से निकल गया होगा। जी नहीं, वो है तो इसी शहर में। तो फिर मिलता भी नहीं? मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप तशरीफ रखे हुजूर, मैं समझाता हूं। सारे शहर की नाकाबंदी की जा चुकी है। रूई मंडी से नवापुरा घाट और मिश्र बाजार का सारा इलाका छाना जा चुका है। अब शहर का सिर्फ ये इलाका बाकी रह गया है। डोंट बी सिली, सिविल लाइंस है, यहां सरकारी अफसर रहते हैं। तुम्हारा मतलब है कि किसी सरकारी अफसर ने राजेश को छुआ रखा? वाई नॉट, आजकल सब कुछ पॉसिबल है। गुड इवनिंग एसपी साहब। गुड इवनिंग सर, हाउ डू यू डू? ऑल इंडियन ऑफिसर्स ब्रिटिश क्राउन का लाए नहीं सर? अगर हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के घरों की तलाशी शुरू की तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि जब उनकी वफादारी पर शक किया जाएगा तो यह बात नेचुरल है कि गवर्नमेंट के खिलाफ फीलिंग्स जरूर पैदा हो। टू हेल विद द फीलिंग ऑफ एवरीबडी, आई वांट राजेश। राइट सर, जो आप चाहते हैं वही होगा। सरकारी बंगलों की तलाशी शुरू की जाए। पहले मेरा बंगला, फिर सर आपका, फिर इनके क्वार्टर्स। राजेश मिल गया तो क्या कहने, और अगर नहीं मिला तो मैं रिजाइन कर दूंगा। डोंट टेक इट लाइक दैट, इतना एक्सट्रीम ना सोचिए। इस पिसाब शेर खान कन्फेशन करने वाला है। अगर वो कन्फेशन में बता देगा कि राजेश कहां है तो ये सब गड़बड़ सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। जान है। जब तक नहीं मिली था तो एसपी साहब को क्यों बुलाया साले?
का शुक्र कर कि हमारा कोई बहन नहीं है, वरना इस हाल में भी हम तुम्हारा खून पी जाता। इस कुत्ते को यहां से हटाओ, फिर हम आपसे बात करेगा। तुम सब जाओ। साहब, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि अब हमसे चुप नहीं रह जाता। राजेश को अपने यहां से हटा डालो या फिर आपको मार डालो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं शेर खान। मैं जब जब यहां आता हूं, तुम्हें इस हाल में देखता हूं, तो अपनी नजरों से गिर जाता हूं। अपनी नजरों से गिरने में बड़ी चोट लगती है। शेर खान, मैं तुमसे यह तो नहीं कह सकता कि तुम उस राजेश के लिए और तकलीफें उठाओ जो ना तुम्हारा दोस्त है ना रिश्तेदार। ये तो तुम जानो और तुम्हारा जमीर। चुप ना रह जाए तो बोल दो, जरूर बोल दो। लेकिन मैं राजेश को अपने घर से नहीं हटाऊंगा, क्योंकि राजेश मेरा दोस्त है। और पठान से ज्यादा दोस्ती की कीमत कौन जान सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर शेर खान को और टॉर्चर किया तो शायद वो मर जाए। मर जाने दो, बोलेगा नहीं तो मारा ही जाएगा। लेकिन सर, ये पॉलिटिकल मामला है सर, हो सकता है उसके मरने से शहर में दंगा फसाद हो जाए। वो जाने दो, वी हैव गॉट गन्स। लेकिन सर, एक इंकलाबी को गिरफ्तार करने के लिए इतना खून खराबा मुनासिब है? राजेश इंकलाबी नहीं, खूनी है। उसने कई ब्रिटिश ऑफिसर्स का जान लिया है और गवर्नमेंट एक ब्रिटिश ऑफिसर की जान के बदले में 40 करोड़ इंडियन डॉग का जान ले सकता है। हवलदार साहब, जरा पानी मिलेगा? काहे नहीं पिलाएंगे खान साहेब, 100 बार पिलाएंगे, 1000 बार पिलाएंगे। अरे पानी तो आदमी जानवर का पिलावट है। एक बहुत बार तारा बहुत भरना भी है, जब देखो तो जुलूम दिखा भरत है। ये हराम बात नहीं, इसे मेरी आखिरी नमाज समझ लेना। शेर खान, क्या किस कहा है? जाओ तब चलाओ, जाओ। शेर खान, ये तुम क्या किया? और क्या करता? आपने दोस्ती की और हम आपकी दोस्ती पर कुर्बान हो गए।
शेखर तुम्हारे हाथ में कुरान शरीफ है, मुसलमान मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। क्या सोच रहे हो? सोच रहा था धीरे से मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, सच बोल नहीं सकता। दोस्ती में झूठ नहीं बोला जाता, अगर दोस्त समझते हो तो दोस्त से सच बोल दो। कई सच ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते, हमारे प्यार की बात उसे नहीं मालूम होनी चाहिए। वो मेरा यार है, तुम नहीं समझती हो, वो मेरे लिए अपनी जान दे देगा लेकिन मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। मैं किसी भी हाल में ये बात नहीं बता सकता। अगर उन्हें ये बात किसी और जरिए से मालूम हो गई तो? तब तो बड़ा गजब हो जाएगा। जौनपुर से राजेश की ये फाइल आ गई, इसमें उसकी पैदाइश से लेकर आज तक की सारी बातें मौजूद है। पता चला है कि मुलजिम राजेश और राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा की बेटी कामिनी में गहरा इश्क है। शुरू से था, मुझे क्यों छुपाया? अगर छुपाया तो इसलिए कि उनमें अब भी इश्क है। इसका मतलब है कि राजेश ने मुझे धोखा दिया। कौन जीत रहा है भाई? ऐसे अन्नाड़ी पार्टनर के होते हुए भला कौन जीत सकता है? क्यों भाई, तुम तो इस क्लब के मानव हो खिलाड़ी। अरे भाई, खिलाड़ी क्या करेगा जबकि बेगम ही धोखा दे गई। मैंने सोचा था बेगम मेरे पार्टनर के पास हो। कामिनी और राजेश में प्यार शुरू से था, मुझसे क्यों छुपाया? छुपाया तो इसलिए कि उनमें अब भी इश्क है। इसका मतलब है कि राजेश ने मुझे धोखा दिया। मैं इनकी पूरी कहानी जानती हूँ, ये हमारे पड़ोसी हैं। राजेश साहब, आपको उस लड़की से सच बोलना चाहिए था। मुमकिन है किसी की बीवी बनकर जीने के बजाय आपकी बेवा बनकर जीना वो ज्यादा पसंद करती। यह है राजेश नारायण की पूरी फाइल। आपके कहने के मुताबिक किनारे पर जो कुछ लिखा गया था इसको कटा है। किसने काटा या खुद सोच सकते हैं। कौन है? कैसे डरा है दस्तक देकर? अरे धीरज, तुझे दस्तक देने की क्या जरूरत है? एटिकेट माय डियर बॉय, एटिकेट।
किसी के बेडरूम में बगैर इजाजत आना नहीं चाहिए। अपने बेडरूम में भी? अरे हाँ, ये तो मेरा बेडरूम। कमाल हो गया, मुझे लगता चढ़ गई है। कोई शीशा नहीं, पत्थर नहीं, आईना नहीं, ये मेरा दिल है जो एक दोस्त के हाथों टूटा। दुल्हन बेगम, ये मेरा दोस्त और आपका पड़ोसी तो वाकई बड़े खसम का शायर है। राजेश, चलो जवाब नहीं, दूर दूर तक जवाब नहीं। मेरी जान, ये जान मेरी जान है, जान पर अपना एक शेर सन। तुझे कुछ और नहीं, अपनी जान कहता हूं, तेरी जिंदगी की तरह तेरा भी एतबार नहीं, तेरा भी एतबार नहीं। मैं जरा चाय लेकर आती हूँ। अरे दुल्हन बेगम, चाय भाई को मारो गोली। आज एक ऐसी खबर इसे सुनाऊंगा कि सुनकर उछलना पड़े तो शर्त। पोएट राम, शेर खान ट्रक ड्राइवर आज पुलिस की ठोकरें खाते खाते मर गया। शेर खान मर गया? पकड़ा कब गया था? मैं पूछता हूं, वो पकड़ा कब गया था? मैं वो दिन याद रखना नहीं चाहता। यार, आदमी था वो, मरते मरते बोला, राजेश मेरे दिल में। नवा, तुम कितना भी दिल में हो, मेरे दिल में हो, उस लड़की के दिल में होगे जिसको तुमने चकमा दिया था। शेर खान के दिल में जमे हुए थे। राजेश, तय कर डालो किसके दिल में तुम्हें रहना है। शेर खान की बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। तुमने भी तो मुझसे कोई बात छुपाई है यार, अब इन्होंने भी तो मुझसे कोई बात छुपाई है। लेकिन मेरी जान, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। नजर दिल की गहराइयों तक नजर जाती है, तीर बन कर जिगर में उतर जाती है। दोस्तों में कोई बात चल जाती है, दोस्तों में कोई बात चल जाती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, दोस्तों में कोई बात चल जाती है, दोस्तों में कोई बात चल जाती है। दिल अब छुपाने से क्या फायदा, राज दिल अब छुपाने से क्या फायदा, इस लगी को बुझाने से क्या फायदा, क्या फायदा। आग बुझ जाती है, चीज जल जाती है, आग बुझ जाती है, चीज जल जाती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, दोस्तों में कोई बात चल जाती है, दोस्तों में कोई बात चल जाती है।
पूछिए कि इसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली है कि नहीं, और यह भी पूछिए कि ऐसा कभी हुआ कि इसने मेरी कोई भी चीज मांगी हो और मैंने इनकार कर दिया हो, तो फिर आज ये इसके साथ क्यों रहा है? अरे दोस्त, तू कहता क्यों नहीं कि तुझे मेरी बीवी से प्यार है? रश, तू इस वक्त नशे में है। नशे में हूं, नशे में हूं, और नशा दोस्तों की तरह झूठ नहीं बोलता, मेरे दोस्त झूठ नहीं बोलता। मेरे लिए ये डूब मरने की बात है कि कामनी और राजेश की इश्क की बात मुझे पुलिस के फाइलों से मालूम हुई, ना मेरे दोस्त ने मुझे बताया ना मेरी बीवी। इसलिए तो मैं रुकना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने कामनी से प्यार किया था, लेकिन तब कामनी से तेरी शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई? जब इनको मेरी पत्नी बनने की जगह तुम्हारी बेवा बनकर जीने का ज्यादा शौक था, तो इन्होंने मुझसे शादी क्यों की? क्यों की? आज मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूं कि मेरा कसूर क्या है, मुझे किस किस गुनाह की सजा मिल रही है, कि मेरे घर में मेरी बीवी और मेरा दोस्त क्या क्या करता रहे। बस बस बात हुआ, ना जाने क्या क्या बोले जा रहा। बदतमीज जलील, कौन? पुलिस आई है सरकार। घबराओ नहीं यार, अभी मेरे यार को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, अभी तो मुझे दोस्ती निभानी है। ऑर्डर मिला है कि आपके घर की तलाशी ली जाए। पहले आईजी साहब से कह दो कि मुझे नौकरी से हटा दें। उन्हीं के ऑर्डर के साथ ये सर्च वारंट भी लेकर के आया हूं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बात यह हुजूर कि राजेश की फाइल से बेगम साहब वाली बात मिटाने में आपसे चूक हो गई। वो नोट तो इस खाकसार ने लिखा था, वो भी कलेक्टर साहब के हुक्म से। बेहतर होगा कि आप राजेश को फौरन हमारे हवाले कर दें। तुम भूल गए हो कि मैं अब इस जिले का एसपी हूं। अगर दो मिनट में तुम सब यहां से दफा न हुए तो मैं गोली चला दूंगा। क्या बात है, ये क्या हो रहा है? इनका ख्याल है कि हमने राजेश को छुपा रखा है। राजेश? कौन राजेश? वही जौनपुर में जो आपका पड़ोसी था। मतलब आपका कोतवाल आपके घर की तलाशी लेगा? जी हाँ, हमारे कोतवाल बहुत नमक हलाल हैं, साथ में सर्च वारंट भी लाए हैं। वारंट लाए तो आने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। Thank you.
अग्रवाल, तलाशी हो चुकी? जी हजूर, काफी बदतमीजी भी हो चुकी है। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर, आप लोग सब लोग दफा हो जाइए यहां से। राइट सर। गेट आउट। तो आपने किसी न किसी तरह राजेश को निकाल ही दिया। चलो अच्छा किया, बेचारे की जान बच गई। आप ही तो कह गए थे आपके घर में आपके दोस्त को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरी बातों का फायदा उठाना आपको खूब आता। आपने मेरे राजेश को नहीं बचाया, आपने अपने राजेश को बचाया। तो फिर आपने मेरे राजेश को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? यह भी दोस्ती का एक अंदाज है, आप नहीं समझेंगे। आईजी जलसे में आ रहा है, मैंने तुम लोगों को प्लान समझा दिया, फिर तुम लोग सोच क्या रहे हो? राजेश तुम्हारा प्लान 100% करेक्ट है, लेकिन पुलिस बंदोबस्त देखते हुए ऐसा लगता है तुम वहां से बच के वापस कैसे आओगे? राजेश तुम्हारा ये काम खुदकशी के बराबर है। जानता हूं खालिद भैया, जानता हूं, लेकिन कभी कभी मर के जो खुशी हासिल होती है वो हजारों साल जीने के बाद भी नहीं होती। एसपी साहब, आज आपको यहां आने का तकलीफ इसलिए दिया कि हमें वेरी रिलायबल सोर्स से इत्तला मिला है कि आज रात को जो वारफ्रंट का जलसा होगा उसमें टेररिस्ट लोग कुछ गड़बड़ करने वाला है। इत्मीनान रखिए सर, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज आपके मुंह से मैं सवाल सुन रहा हूं। आज तो सिर्फ बात ही सुनिए सर, कल राजेश को फांसी के तख्ते पर देखिएगा। वेल डन कोतवाल साहब, बैठिए। शुक्रिया। अब राजेश पकड़ा जाए। ये तो हुजूर के उस नोट का कमाल है जो राजेश की फाइल पर लिखा गया था। जिस दिल में रकाबत की आग सुलग जाए उसे सिर्फ खून के छींटे बुझा सकते हैं। ये किसके कत्ल की तैयारी है? क्या पुलिस वाले कत्ल के सिवा कोई बात नहीं सोचते? सोचते क्यों नहीं, सोचते हैं। ये भी सोचते हैं कि दोस्ती के माने क्या है, पति के फर्ज और पत्नी के कर्तव्य के बारे में भी सोचते हैं, उस प्यार के बारे में भी सोचते हैं जो कि एक दोस्त से है, उस एतबार के बारे में भी सोचते हैं जो कि एक पत्नी पर था। था? जी, और आप भी तो इसके बारे में कुछ सोचती होंगी। क्यों नहीं, ये मर्दों का समाज है, इसके सारे नियम मर्दों ने बनाए हैं। और जो इस समाज के नियम औरतों ने बनाए होते तो आप अपने आप को क्या सजा देती? इस सवाल का जवाब जलसे से लौटने के बाद दूंगी। जलसे में आप नहीं जाएंगे, वहां खून खराबे का डर है। पता चला राजेश नारायण नामी एक इनकलाबी आईजीपी साहब पर हमला करने वाला है, वो उन्हें मारना चाहेगा और मैं उसे मारने नहीं दूंगा। वेलकम सर, वेलकम। प्लीज टू मीट यू। Honorable Inspector General of Police, ladies and gentlemen, you will be glad to know that our war fund drive has collected ₹52,500. As now, so in future, we affirm our loyalty to the British Empire, on which the sun never set and shall never set. Long live the British Empire. We now present you our first item. Thank you.
जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, अब मैं जो कमाल दिखाऊंगा उसे देखकर गाजीपुरी नहीं सारा हिंदुस्तान चौंक उठेगा। मुझे ढूंढोगे लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। मिलोगे कैसे नहीं, अब कहां जाओगे यार, दोस्त का घर भी हाजिर है, दोस्त की बीवी भी, पुलिस का भी कोई डर नहीं, वो दोबारा तो आएगी नहीं। अब फिर मैं तुम्हें अपनी जान पर खेलकर इसलिए तो नहीं बचा लाया हूं कि तुम मेरी बीवी और अपनी माशूका का दिल तोड़कर चले जाओ। सॉरी, मुझे थप्पड़ मारने पे या मेरी बीवी से इश्क लड़ाने पर, जरा चाहता है तो सुन। मैं कामनी से प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। दिल बिजली के तार से नहीं चलता मेरे यार, जब चाह स्विच ऑफ कर दिया और प्यार बंद हो गया। राजेश शराब दुल्हन बेगम, मेरे दोस्त को बोलने दो, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी बीवी का आशिक मुझसे क्या कहना चाहता है। तुम्हारी बीवी का आशिक तुमसे ये कहना चाहता है कि तुम दोस्त नहीं दीवार हो। खूब समझे, फैदाशी समझदार हो। अगर मैं दीवार हूं तो इस दीवार को हटा दो, नहीं तो जो सुहाग रात तुम्हारे आ जाने से अधूरी रह गई थी वो आज रात पूरी होगी। और आज की ये रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि कामने की मांग में सिंदूर के बदले तेरा खून भरूंगा। राजेश पागल हो क्या? हाँ मैं पागल क्यों, पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। अपने महबूबा को अपने दोस्त के बिस्तर पर देखकर पागल हो गया हूँ। कामने तुम मेरी हो, इसकी बीवी बनने के बाद भी मेरी हो। बता दो इसे, इसके दफ्तर जाने के बाद इस कमरे के सन्नाटे में क्या कुछ होता रहा? यहां तुम्हारी जुल्फों ने मेरे कंधों से कितनी शिकायतें की, तुम्हारे होठों ने किस तरह मेरे होठों की प्यास बुझाई। अभी मैं मरने के मूड में नहीं हूं। तूने मेरी महबूबा से शादी की, अब मैं तेरी बेवा से शादी करके अपना हिसाब साफ करूंगा। मैं अपने दोस्त और अपनी बीवी की बेवफाई का जहर पीने के बाद जीना भी नहीं चाहता हूं। सुन रही हो कामनी, तकरीर कर रहा है। अगर जीना नहीं चाहता तो मर जा, खुद नहीं मर सकता तो मुझसे बोल, मैं गोली मार दूं। कामनी, अब इस आदमी पर अपनी वफा का रंग चढ़ाने से क्या फायदा? एक्टिंग के दिन गए
अब तो ये मरने ही वाला है। तुम जैसे दोस्तों से और उम्मीद भी क्या, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। दोस्त मत बोल मुझे। दोस्त तो हम कल थे, आज रकीब हैं, और रकीबों का सिर्फ एक ही इलाज है, मरने के बाद बहुत याद आते साले। राजेश, रिवॉल्वर फेंक दो, नहीं तो गोली मार दूंगी। जरा इस लड़की की बात तो सुनो धीरज, कहती है मुझे गोली मार देगी। याद है तुमने उस दिन कहा था, हिंदुस्तानी लड़की जब प्यार करती है तो जिंदगी भर निभाती है, कहा था? ये बात इन्होंने कही थी, मैंने नहीं। मैंने कहा था हिंदुस्तानी लड़की जब शादी करती है तो जिंदगी भर निभाती है। पति के सामने तो यही कहना चाहिए था, मगर अब झूठ बोलने से क्या फायदा, अब तो ये मरने वाला है। मैं जानता हूं तुम तड़प रही होगी कि कब धीरज का किस्सा खत्म हो और हम अपना किस्सा शुरू कर सके। राजेश, मैं गोली मार दूंगी। तुम अपने पति को बचाने के लिए अपने आशिक को गोली नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। तेरी बीवी ने तो सचमुच तेरे दोस्त पर गोली चला दी। मैं हार गया। कामनी, तेरा पति बड़ा चांग है तेरे। मेरी मौत के सिवाय इस प्रेम कहानी का और कोई अंत हो ही नहीं सकता था। मेरे मर जाने से कुछ नहीं बदलेगा, तू मर जाता तो कामनी बेवा हो जाती। धीरज, धीरज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजेश, कामनी, कामनी तेरा हाथ कहाँ? धीरज, कामनी को हंसने का बड़ा शौक है, इसे रखना। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? तूने मुझे नहीं मारा, मैं तो पहले भैया के साथ मरा, फिर मुन्नी के साथ मरा, और शेर खान के साथ तो बिल्कुल ही मर गया। मुझे मरने की प्रैक्टिस हो रही है। जी चाहता तुम दोनों को देखता रहो, लेकिन आंखें बंद होती है। प्यार की बात नहीं डाले तो काम नहीं, इसे कहिए कि जिंदा रहे, कहिए ना। राजेश, आंखें खोलो राजेश। एक तरफ दोस्त ये कहता है कि आंखें खोलो, एक तरफ मौत तपकती है कि सोना होगा।